हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल आईएएस। आज का डिस्कशन चर्चा में चल रहे एक विशेष अवार्ड के बारे में होगा, भारत रत्न द ज्वेल ऑफ इंडिया। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे 2 जनवरी 1954 से संस्थापित किया गया था। यह जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर के लिए प्रदान किया जाता है। ओरिजिनली यह अवार्ड आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज की अचीवमेंट्स तक सीमित था, लेकिन 2011 में भारत सरकार ने इस क्राइटेरिया का विस्तार करके मानव प्रयास का कोई भी क्षेत्र इसमें शामिल किया है। द रिकमेंडेशंस फॉर द अवार्ड आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। अवार्ड में क्या मिलेगा? सनद, अ सर्टिफिकेट साइंड बाय प्रेसिडेंट एंड ए पीपल लीफ शेप्ड मेडलियन। भारत रत्न के मेडल में तीन तरह के मेटल का यूज होता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनियम। पूरा मेडल ब्रॉन्ज या पीतल से बनाया हुआ होता है। मेडल के फ्रंट साइड में प्लैटिनियम का चमकता सूर्य और उसके नीचे सिल्वर से भारत रत्न देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। बैक साइड में आप सेंटर में देख सकते हैं प्लैटिनियम से बना हुआ नेशनल एम्बलेम ऑफ इंडिया विद द नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसके किनारा भी प्लैटिनियम से जड़ा हुआ होता है। यह मेडल अलीपुर मिंट फैक्ट्री कोलकाता में बनाया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ भारत रत्न क्या है, देखते हैं। भारतीय प्रशासकीय मुख्य पदों के मामलों में यह 7वें नंबर पर आता है, जो स्थान यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। तो पहले 6 स्थानों पर किन व्यक्तियों का समावेश होता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जगदीप धनखड़। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। फोर्थ, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फिफ्थ, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। फिफ्थ, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फिलहाल वैकेंट है। सिक्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। सेवन्थ पे आते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, NSA, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एटसेट्रा। और इन्हीं के साथ 7वें नंबर पर आता है रिसिपियंट्स ऑफ भारत रत्न। और बाकी आप दूसरे स्लाइड्स में देख सकते हैं 8वें, 9वें और 10वें स्थानों पे कौन है। तो भारत रत्न गौरवित इंसान का रैंक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में जानते हैं। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न वेयर द फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया पी राजगोपालाचारी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड द इंडियन फिजिसिस्ट CV रमन हु वेयर ऑनर्ड इन 1954। मूल कानून में मरणोपरांत पुरस्कारों का प्रावधान नहीं था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित करने की अनुमति देने के लिए जनवरी 1966 में इसे अमेंड किया गया। अब तक यह पुरस्कार 53 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें 18 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। इन 2014 क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर देन एज्ड 40 बिकेम द यंगेस्ट रिसिपिएंट एंड द फर्स्ट पोस्ट पर्सन, व्हाइल सोशल रिफॉर्मर धोंडो केशव कर्वे इन 1958 वाज द ओल्डेस्ट रिसिपिएंट व्हेन ही वाज अवार्डेड ऑन हिज 100th बर्थडे। ये अवार्ड यूजुअली इंडियन बॉर्न सिटीजन को दिया जाता है। इज दिस अवार्ड ओनली फॉर इंडियन? नहीं, यह पुरस्कार एक नेचुरलाइज सिटीजन मीन्स जिसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, ऐसे श्रीमती मदर टेरेसा जी को भी प्रदान किया गया है एंड टू नॉन इंडियंस, खान अब्दुल गफ्फार खान इन 1987 बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया एंड लैटरल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें हम सरहद गांधी के नाम से भी जानते हैं। उनकी खुदाई खिदमतगार मूवमेंट और रेड शर्ट मूवमेंट काफी प्रचलित है एंड नेल्सन मंडेला वो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, उन्हें भी दिया गया है। इज दिस अवार्ड एवर सस्पेंडेड? यस, ये अवार्ड अब तक 2 बार सस्पेंड हो चुका है। 1st July 1977 टू January 1980 when there was a change in the national government and second time from 2nd August 1992 to December 1995 when several PIL challenged the constitutional validity of this award. और ऐसा भी हुआ है कि अवार्ड डिक्लेयर किया गया है लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया गया है। यस, इन 1992 फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड बट डिड नॉट कन्फर्ड। द पर्सन वॉज नन अनदर देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या कारण थे इसके पीछे, चलिए जानते हैं। जो लोग नेताजी को मरा हुआ मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिनमें उनके कुछ दूर के रिश्तेदार भी शामिल थे, उन्होंने मरणोपरांत पुरस्कार का विरोध किया। इन सब के चलते हुए 1997 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इस अवार्ड को खारिज कर दिया गया। कैन दिस अवार्ड बी टेकन बैक? यस, अगर अवार्ड का मिसयूज किया गया और रेगुलेशन 10 में कहा गया है
कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दिए गए डेप्यूटी अवार्ड को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद उसका नाम रजिस्टर से मिटा दिया जाएगा और पुरस्कार प्राप्तकर्ता को इसे सरेंडर करना होगा। कैन दिस अवार्ड बी यूज एज अ टाइटल? नो। आर्टिकल 18 सबसेक्शन 1 सारे टाइटल को अबॉलिश करता है। यह राज्य को किसी को भी, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक, उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोहिबिशन, लाइक मेजर और कर्नल इन आर्मी और पीएचडी होल्डर। रिसिपिएंट अपने नाम के आगे या पीछे इस उपाधि की तरह नहीं लगा सकते। हाउएवर, रिसिपिएंट में आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अवार्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। इस अवार्ड में कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। उसकी क्या बेनिफिट है इस अवार्ड में, कोई बेनिफिट है भी या नहीं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एक सनद मिलती है, सर्टिफिकेट साइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, ट्रीटमेंट एज अ स्टेट गेस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन ट्रैवलिंग विद इन द स्टेट। थर्ड, इंडियन मिशन अब्रॉड रिक्वेस्टेड टू फैसिलिटेट रिसिपिएंट व्हेन रिक्वेस्टेड। फोर्थ, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। फिफ्थ, एयर इंडिया पे कंसेशनल फेयर मिलते हैं। प्री लाइफ टाइम एग्जीक्यूटिव क्लास एयर इंडिया ट्रैवल पास एंड एसी क्लास फर्स्ट क्लास जर्नी इन द ट्रेन। सेवन, दे आर एंटाइटल टू पेंशन इक्वल टू और 50% ऑफ पीएम ऑफ इंडिया सैलरी। आठवीं में क्या मिलता है, कैन अटेंड पार्लियामेंट मीटिंग्स एंड सेशन। नाइन्थ, एलिजिबल टू जेड कैटेगरी सिक्योरिटी इफ रिक्वायर्ड। टेंथ, स्पेशल गेस्ट इन रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे। और 11th, won't be fixed at any civilian airport. They are among the 32 categories of people who were exempted from the pre-embarked security check on civilian airport. अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट एज वेल एज द फर्स्ट फीमेल पीएम कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी इन 1971। फर्स्ट सिंगर टू रिसीव अवार्ड, श्रीमती एमएस सुब्बुलक्ष्मी इन 1998। फर्स्ट पीएम टू रिसीव अवार्ड, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1955। फर्स्ट गवर्नर एज वेल एज फर्स्ट सीएम टू रिसीव भारत रत्न, श्री डी राजगोपालाचारी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू रिसीव अवार्ड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओनली 5 वुमेन टू रिसीव भारत रत्न टिल डेट। फर्स्ट इंदिरा गांधी इन 1971, सेकंड मदर टेरेसा इन 1980, थर्ड अरुणा असफअली हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इन वेस्ट बंगाल, रिसीव भारत रत्न इन 1997। फोर्थ एम एस सुब्बुलक्ष्मी इन 1998 एंड फिफ्थ लता मंगेशकर इन 2001। आज तक सिर्फ 6 प्रेसिडेंट्स को यह अवार्ड मिला है। फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन 1954, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन 1962, थर्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1963, फोर्थ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन 1997, फिफ्थ श्री वी वी गिरी इन 1975 एंड सिक्स श्री प्रणब मुखर्जी इन 2019। डू यू नो भारत रत्न विनर्स हु ऑल्सो वोन द नोबेल प्राइज? फर्स्ट डॉक्टर सी वी रमन, फिजिक्स नोबेल प्राइज इन 1930, भारत रत्न इन 1954, श्रीमती मदर टेरेसा, नोबेल पीस प्राइज इन 1979, भारत रत्न इन 1980, डॉक्टर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 1998, भारत रत्न इन 1999। भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। टिल नाउ द मैक्सिमम भारत रत्नस वेर अवार्डेड इन 1999 व्हेन 4 रिसिपिएंट्स वेर गिवन द कोवेटेड अवार्ड, बट एक्सेप्शनली इस साल ये 5 भारतीयों को दिया जाएगा। दीज आर द रिसिपिएंट्स, क्या आप उनके नाम कमेंट में बता पाएंगे? टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस टू एनरिच योर नॉलेज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोर सच वीडियोस। थैंक यू।